नमस्कार, मैं हेमंत मिश्रा, सिलवासा न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता। बता दूं कि जिस तरह से लगातार दादरा नगर हवेली की जो टूरिज्म व्यवस्था है उसे कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो लगातार बनाए रखने में लगातार पूरी तरह से कोशिश करती रहती है। ऐसे में अगर हम बात करें तो इस वक्त हम लोग म्यूजियम के पास है, सिलवासा स्थित चार रस्ते पर, जहाँ पर कुछ सैलानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे और बताएंगे कि आखिर इस जगह पर आने का क्या है मामला, किस तरह से आज यहाँ पर जो आए हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है आपका सिलवासा में। क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है ये जगह और क्या खास आपको इस जगह पर देखने को मिला? सर, जगह तो बहुत अच्छी जगह है। एक्चुअली हम लोग ट्रैवल म्यूजियम देखने आए थे, मैं और मेरी फैमिली साथ में, लेकिन यहाँ पे आया तो अभी देखा, अभी 4 बजे ये ओपन होएगा। उससे पहले यहाँ की नियर अबाउट जितनी अच्छी लोकेशन है जहाँ पे हम घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, वो सारा गवर्नमेंट ने ऐसा बोर्ड लगा के रखा है जो हम स्कैन करके वहाँ पे गूगल मैप पे डायरेक्ट जाके लोकेशन फॉलो करके और वहाँ पहुँच सकते हैं। तो ये बहुत ही ईजी है, कुछ भी हम कहीं भी सर्च करके कोई भी लोकेशन पे जा सकते हैं जी। और अभी जब ये ओपन होएगा तो हम लोग जाके इंजॉय करेंगे जी। और हमारा यहाँ आने का यही मकसद था कि हम ये कल्चरल म्यूजियम देख सकें जिससे भारतीय संस्कृति को और ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें। जान सके। कहाँ से आए हैं आप? एक्चुअली सर, मैं लखनऊ यूपी से आया हूँ जी। लखनऊ से आप हैं? यस सर जी। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं लोग जो है, सैलानी लोग जो है, इस वक्त दादरा नगर हवेली की कहीं ना कहीं माहौल अगर बात किया जाए तो ऐसे तो अभी कोरोना की वजह से कहीं ना कहीं सब जगह कुछ ना कुछ चीज़ों का समस्या चल रहा है, लेकिन ऐसे में लोग फिर भी अगर सिलवासा एवं आसपास के विस्तार में है तो वो चाहते हैं कि ऐसे जगहों पर जाएं और सिलवासा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जान सकें। इसी तरह आसपास की खबरों से बने रहने के लिए सिलवासा न्यूज़ लाइन को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही किसी प्रकार की जानकारी हमें देने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से संपर्क करें। धन्यवाद।